हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम शुरू करेंगे बजट का जो मेन पोर्शन है, जिसमें क्या क्या बोला गया है, कितना पैसा किसमें लगाया जा रहा है, इसकी बात करेंगे। लेकिन बजट में जो पैसा आएगा और कहाँ पे जाएगा, इसकी बात करेंगे। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि कुछ जो हमारा बजट का साइज है, ये 21.47 लाख करोड़ का है। मतलब 21 लाख करोड़ के अराउंड हमारा बजट बन रहा है। तो सर, पैसा कहीं से तो आएगा, कहाँ से लाओगे? तो ये लेके आएंगे, मार्केट लोन लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से पैसा आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं सर्विस टैक्स, यूनियन हमारा एक्साइज ड्यूटी और टैक्स ऑन द इनकम, कॉरपोरेशन टैक्स, इससे पैसा हमारा आ रहा है। तो कहीं खर्च करोगे भाई? कहाँ खर्च करेंगे? स्कीम जो एक्सपेंडिचर होगा वहाँ पे करेंगे। ओके, उसके बाद हम कुछ ट्रांसफर करेंगे स्टेट और यूटीज़ को, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर में जो स्कीम्स है इनको करेंगे। तो ये हमारा पूरा लेखा जोखा है, कहाँ से आएगा और कहाँ पे जाएगा। ओके सर, अब देखिए कि अगला आ रहा है कि बजट में कुछ पैसा आ रहा है, ये आपने मोटा मोटा हिसाब देखा है यहाँ पे। और एक और मोटा मोटा हिसाब है कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, वो तो बहुत सारा डाटा है, इसमें थोड़ा सा प्रिसाइज डाटा है। यहाँ पे देखेंगे कि पहली स्लाइड बता रही है कि सर कहाँ से पैसा आ रहा है। 3 पैसा हमारा आ रहा है, बेसिकली इसको 1 रुपये में बनाएंगे, जितना ही पैसा होगा 1 रुपया लेंगे और उसमें पैसा वैसा डिवाइड करेंगे। तो देखिए, 16 पैसा हमारा आएगा इनकम टैक्स से, 19 पैसा आएगा कॉरपोरेशन टैक्स से, 19 पैसा आएगा बॉरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से, और 3 पैसा आएगा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से, 10 पैसा आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू से, और 10 पैसा आएगा सर्विस टैक्स और अदर टैक्सेस से। इस तरह से हमारा क्या होगा कि पैसा हमारा आता जाएगा, ठीक है सर। और कहाँ कहाँ आप उसका एक्सपेंडिचर करोगे सर? 24 पैसा आप स्टेट का जो शेयर है और टैक्स है उसको दे दोगे आप, 5 पैसा जो फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर कर दोगे, 10 पैसे में सब्सिडी दे दोगे, 9 पैसे डिफेंस में लगा दोगे, 18 पैसा आप इंटरेस्ट पेमेंट में लगा दोगे, 11 पैसा सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में लगा दोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे, आप पैसा लाओगे और यहाँ पे लगा देंगे सर। अब देखिए, हमारा 2016 और 17 में एक रिफॉर्म बनाया गया है, बजट में कुछ रिफॉर्म आया है जिससे कि हमारा फायदा ये होगा सर। बेसिकली ये हमारा 2000 की प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को हम एबॉलिश कर रहे हैं। क्यों एबॉलिश कर रहे हैं सर? क्योंकि हम लोग क्या करते थे कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को एक साथ अलग अलग करते थे, ठीक है, कि प्लान पे क्या खर्च करना है और नॉन प्लान पे हमें क्या खर्च करना है। तो सर क्या होता था कि प्लान के अंदर आपने एक रोड बनाया, ठीक है, और रोड बनाने के साथ साथ क्या हुआ सर कि नॉन प्लान में आपका जो एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए डिफेंस में गया, सिविल सर्विस जो हमारे गवर्नमेंट के सर्वेंट है उनको सैलरी जा रही है, तो सर हम क्या कर रहे थे कि रोड तो बन गई है लेकिन मेंटेनेंस का जो खर्चा होता था वो नॉन प्लान से आता था, तो हमारा जो झुका हुआ करता था वो प्लान पे ज़्यादा हुआ करता था एज कम्पेयर टू कि नॉन प्लान। तो सर नॉन प्लान में जो हमारा मेंटेनेंस पोर्शन था, ये पोर्शन हम रोड को मेंटेन नहीं कर पाते थे, तो जो हमने इकोनॉमिक एसेट बनाया ये भी हमारा क्या हो गया, गायब हो जाता था। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि प्लान और नॉन प्लान को हम मर्ज कर रहे हैं। उसके बाद सर क्या हुआ कि हमारा प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हो गया, तो ऐसा डिस्टिंक्शन हमारा होना इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसके बाद क्या है सर कि इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, रेवेन्यू हमारा जो बजट है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दे सकती है। ओके, दूसरा हमारा सर जो हमारा अमेंडमेंट आएगा, मतलब चेंज आएगा हमारे बजट में 2017-18, दूसरा हमारा बजट में चेंज आ रहा है, इसमें क्या करने है कि रेल बजट को जनरल बजट से मर्ज कर दे रहे हैं। सर क्या हुआ था कि 1921 में जो एक वर्थ कमेटी है, इसने रिकमेंड किया था कि सर आप रेल बजट को, मतलब रेल बजट अलग से बनाओ। क्यों बनाओ सर? क्योंकि 86% जो रेवेन्यू था 1921 में, तो सर वहाँ पे आ जाता हमारा रेल बजट से, ठीक है। तो इतना बिग चंक ऑफ अमाउंट हमारा आ रहा है रेल से, तो बोला कि इसका बजट ही आप अलग बना लो ताकि प्रॉफिट जो शेयर हो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन के गोरे लोग उनके पास पहुंच जाए। तो ये 1924 में लगाई गई थी, लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि ये बजट हमारा फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना रेल बजट पर खर्चा होता है उससे ज़्यादा तो हमारा डिफेंस पर खर्चा हो रहा है। यदि पर कैपिटा GDP का परसेंटेज देखें तो GDP के परसेंटेज में हम चाइना से ज़्यादा खर्च करते हैं डिफेंस पे एज कम्पेयर टू जितना चाइना करती है हमारा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था सर कि ये आपको मतलब कि गवर्नेंस कम होता था, पॉलिटिक्स ज़्यादा होती थी। जैसे कि कोई नेता कहीं से मान लीजिए जीता हुआ है तो बोलता था कि मेरे यहाँ से ट्रेन आप क्रॉस कर दो, एक नई नई ट्रेन का डिमांड भी होता था जब भी बजट आता था हमारे रेलवे बजट, तो ये सब प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमारा इफेक्टिव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारा रेल बजट को मर्ज करेंगे तो हमारा क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इफेक्टिव होगा। ओके, उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्रीपोन्डिंग बजट को प्रीपोन्ड कर रहे हैं सर, 1 महीने प्रीपोन्ड कर रहे हैं, मतलब जो हमारा फरवरी के लास्ट में होता था ये 1 फरवरी को हम इसको लगा देंगे इस बजट को। क्यों सर? आपको बता दिए, आपको पहले आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर ओटन अकाउंट होता है हमारा नाम, ओटन अकाउंट सर क्या होता है कि ओटन अकाउंट होते होते
जो हमारा डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है उसको पास करते करते अप्रोबेशन बिल बनते बनते 2 महीने लग जाता है। तो जो भी हमारा पैसा जाना चाहिए पॉलिसी में वो पैसा जाना धीमे हो जाता है, जिससे पॉलिसी जो हमारी काम हो रहा है देश में और वो धीमे पड़ जाता है, जिससे हमारी ग्रोथ हैम्पर होती थी, ग्रोथ धीमी होती थी। तो इसीलिए वोट आन अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट आया था कि सर ठीक है आपको एक डेढ़ महीने के लिए पैसा चाहिए तो 1/6 मनी वोट आन अकाउंट करके दे दिया जाएगा। लेकिन सर इससे क्या होता था कि बता दिया जो ग्रोथ हैम्पर होती थी, अब क्या होगा कि प्रीपॉन्ड कर देंगे। जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, हमारा शुरू होगा 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू हो रहा है, तो देखिए आप जैसे हम फेब के हमारा फर्स्ट वीक में आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका नियरली आपका 2 महीने का टाइम मिल जाएगा जितने में आपका अप्रोप्रिएशन बिल बन जाएगा और आपको वोट एन अकाउंट रिडंडेंट हो जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा ग्रोथ हैम्पर नहीं होगा। ठीक है सर, ये हमारी कुछ बातें हैं। इसके बाद सर देखिए गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिंग कर रही है। जो स्पेंडिंग कर रही है सर यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलिट्री में हमारा ग्रेटर स्पेंडिंग है परसेंटेज वाइज देखें जीडीपी का चाइना से, और चाइना जितना परसेंट अपनी जीडीपी का खर्च करती है उससे ज़्यादा हमारी इंडिया कर रही है। उसके बाद सब्सिडी का बर्डन देख लेते हैं सर। सब्सिडी का बर्डन हमारा फूड में 55% है, फर्टिलाइजर में 28% है और फ्यूल में 11% है। और जो हमारा टैक्सेस है ना, जो हमारे टैक्स में शेयर्स हैं आप देख सकते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स में हमारा 30% है, इनकम टैक्स में 21% है, एक्साइज ड्यूटी में 19.5% है, सर्विस टैक्स, कस्टम टैक्स, इस तरह से हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। सर अब इसमें एक और हमारे अमेंडमेंट किया गया है कि जो डोनेशन है पॉलिटिकल पार्टीज को, इसको 2,000 रुपये ही कर पाएंगे कैश में, 20,000 से घटाकर 2,000 में कर दिया। क्यों? क्योंकि 75% जो हमारा कैश का डोनेशन आता था ये इनलीगल आता था, उसमें कोई सोर्स ही नहीं होता था। ठीक है, और कैश का जो ट्रांजेक्शन होगा आम पब्लिक जो कर सकती है ये 3,00,000 रुपए तक कर सकती है। इसके बाद सर देखिए एफआरबीएमए एक्ट जो आया है 2004 में, अभी पहले भी इसकी बात कर ली लेकिन एक बार देख लेते हैं इसको। 2004 जुलाई में हुआ था और मेन एम इसका ये था कि हम रेवेन्यू जो हमारा डेफिसिट है इसको कम कर दिया जाए। ठीक है, और इसमें क्या था कि जो हम कि आप इन्होंने ये भी रिस्ट्रिक्ट किया कि आप बोरोइंग नहीं कर सकते आरबीआई से, लेकिन कोई एक्स्ट्रा मतलब स्पेशल सर्कमस्टेंसेज आ गए तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बारोइंग कर सकते हैं। और सर देखिए कि हमारा एम ये है कि फिजिकल डेफिसिट को 3% रखना है मैनेजेबल, और ये हमारा 3% जो फिजिकल डेफिसिट ये मैनेजेबल है, इसको मैनेज हम कर सकते हैं। ठीक है, ये 2008 में भी इसको क्या किया था, हमने मैनेज किया था जो हमारा फिजिकल डेफिसिट थी, क्योंकि हमारा ग्लोबल सब प्राइम क्राइसिस आई थी यूएसए में, इस वजह से इसको मैनेज करना पड़ा था हमें। अब सर देखिए कि कुछ हमारी कुछ बातें हैं बजट में ये कही गई हैं, जैसे कि 25% टैक्स ली जाएगी कंपनी से जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम का है। ठीक है, अब देखिए 17% हमारा ग्रोथ आएगा टैक्स रेवेन्यू में, 24% ग्रोथ आएगा रूरल स्पेंडिंग में, 35% ग्रोथ इन्होंने किया है जो बजट बना रहे हैं उसमें कि फंड एलोकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो देख रहे हैं कि ये हमारा जो बजट है इस समय का ये पीपल फ्रेंडली बजट है, और ये इंडिया का बजट नहीं है, ये भारत का बजट है, मतलब ग्रामीण इलाकों पे ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है। 6% हमारा स्पेंडिंग इंक्रीज की गई है डिफेंस सेक्टर में, और कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हैं कि हमारा इस समय का हाईएस्ट एवर एलोकेशन हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्यों हुआ सर? क्योंकि हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड में स्लो डाउन चल रहा है, और गवर्नमेंट की जब स्पेंडिंग ज़्यादा होगी तो हमारी जो इकॉनमी है इंडिया की इकॉनमी ये डोमेस्टिक ड्रिवन इकॉनमी है, डोमेस्टिक जो हमारी डिमांड है इसी में हम बनाते हैं, बेचते हैं, खाते हैं, इससे हमारी इकॉनमी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारा रीज़न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने एक रीज़न है जिससे कि हमने क्या किया है कि इस एलोकेशन बढ़ा दिया है। उसके बाद क्या किया है, रिन्यूएबल एनर्जी हमारा क्या किया है कि हमने मनरेगा को फिर से रिन्यू किया है। मनरेगा रिन्यू करने का मतलब ये है सर कि मनरेगा के हाथ में पैसा डालो। पैसा डालने से क्या होगा, जब मनरेगा में हम पैसा डाल देंगे तो वहां पे जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसा आ जाएगा, मतलब उनके हाथ में परचेजिंग पावर आ जाएगी, तो लोग खरीदेंगे। जब लोग खरीदेंगे तो इंडस्ट्री के पास एक साइन जाएगा कि सर आप क्या करो कि आप माल बनाओ ताकि लोग खरीद रहे हैं, अदरवाइज लोग जब खरीदेंगे नहीं तो माल क्यों बनाया जाएगा, है ना। तो मनरेगा में इसलिए पैसा लगा रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी का पुश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सर आप देख सकते हैं इंडिया का जो कैश टू जीडीपी रेशियो है ये 12% है ब्रिक्स नेशन में बात करें तो, और हमारा चाइना का 9% है, ब्राजील का 4% है, तो हमारा कैश टू जीडीपी रेशियो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, रैंसम अमाउंट ये सब हमारे कैश में पे की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में रिफॉर्म क्यों किया गया, क्योंकि सर पॉलिटिकल पार्टी की जो फंडिंग आ रही है 75% अननोन सोर्स से आ रही है। अब क्या लिमिट क्या थी सर, 20,000 रुपये इसकी लिमिट थी, और 20,000 के नीचे आप करेंगे तो आपको नाम नहीं बताना पड़ेगा। तो इसलिए क्या था कि अब इन्होंने बोला कि नहीं 20,000 नहीं भाई, इसको एक जीरो मिटाओ और 2,000 रुपये आपका अननोन सोर्स वहाँ पे फंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब सर देखिए कि पीएम मोदी ने बोला है कि ये सर हमारा
फार्मर फ्रेंडली है, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए है, डिजिटल इकोनॉमी के लिए है, रूरल के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है इसका जो हमारा इफेक्ट होगा ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा, ठीक है, और ये इसका जो मतलब इफेक्ट होगा ये स्पॉइल नहीं होगा हमारा नेक्स्ट जो फिजिकल हमारा ईयर आएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब सर देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में पुश दिया गया है बहुत ज़्यादा, 10 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं हमारे फार्मर्स के लिए ताकि वो क्रेडिट ले सके, इंश्योरेंस हो सके उनका, 10 लाख करोड़ रुपए दिया गया वहाँ पे, ठीक है, और 5000 करोड़ रुपए दिया गया इरिगेशन के लिए ताकि माइक्रो इरिगेशन जैसे आपकी हो गई ड्रिप इरिगेशन हो गया, ठीक है, स्प्रिंकलर हो गया, तो ये जो नई मेथोडोलॉजी है हमारा इरिगेशन के लिए इसको लगाया गया। सर ड्रिप इरिगेशन और ये लगाने से क्या होगा स्प्रिंकलर से कि दिक्कत क्या होती है कि हमारे यहाँ जो इरिगेशन होता है फ्लड इरिगेशन होता है, फ्लड इरिगेशन होने से क्या होता है कि वहाँ पे सैलिनिटी बहुत हाई, मतलब जो हमारा फ्रेश वाटर है ना भाई इसमें भी हमारी सैलिनिटी होती है 5 PPT तक, लेस देन 5 PPT। अब क्या होता है कि आपने फ्लड कर दिया, आपका ये फील्ड है आपने यहाँ पे भर दिया इसको पूरा पानी से, तो क्या होगा कि जैसे ये पानी वेपर बन के ऊपर बढ़ेगा तो अपने पीछे साल्ट को छोड़ जाएगा, और साल्ट क्या करेंगे जो पोरस हमारे उसमें होल है मिट्टी में उसको भर देंगे, जिससे क्या होगा हमारा ग्राउंड वाटर में वो सिपिंग नहीं हो पाएगी, और ग्राउंड वाटर में सिपिंग न होने के कारण क्या होगा कि वो जो मिट्टी है ये क्या होगा कि नमी नहीं रहेगी उसमें, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, तो वो क्या होगा कि हमारा चेंज हो जाएगा डेजर्ट में, ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए माइक्रो इरिगेशन पे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। अब सर देखिए उन्होंने बोला है कि मार्केट को भी रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है तो जितनी हमारी APMCs हैं इसको हम एक वर्चुअली इसको कनेक्ट करेंगे ऑनलाइन, जिसको एक इनिशिएटिव का नाम दिया गया ENAM। ओके सर इसके बाद देखिए कि रूलर में एक टारगेट रखा गया कि 1 करोड़ लोगों को हाउस होल्ड को हमें पॉवर्टी से निकाल के लेके आना 2019 तक, उसके बाद हमें क्या करना है कि 3 लाख करोड़ रुपए हमें रूलर में स्पेंड करने हैं, और यही नहीं कि हमारा जो एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव है इसमें हम क्या करेंगे सैटेलाइट का यूज़ करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जैसे भुवन हमारी सैटेलाइट है जिसमें जियो टैगिंग टेक्निक लगाते ताकि मैपिंग कर सकें जो फील्ड हमारे क्रॉप्ड एरिया में है उसकी हम क्या कर सकें मैपिंग कर सके। उसके बाद 2019 तक हमें 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, और स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा हुआ है इसमें हमारा ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हुई है, जैसे कि 42% प्रोग्रेस हुई थी 2013 में, लेकिन 2016 में देखेंगे तो 60% तक हमारी क्या हुई है प्रोग्रेस हुई है। सर एजुकेशन सिस्टम में आप देख सकते हैं कि 10% हमारा जंप आया है एजुकेशन एलोकेशन में, और वही नहीं एक स्वयं प्लेटफॉर्म दिया गया है एजुकेशन से रिलेटेड, सर स्वयं प्लेटफॉर्म जो मैं काम कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ ये स्वयं प्लेटफॉर्म है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, है ना, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, तो यही है कि मतलब IT टेक्नोलॉजी का यूज़ कर जहाँ पे जो हमारा अंडर प्रिविलेज एरिया है, ठीक है, और जो IITs NITs और जैसे NPTEL का कॉन्सेप्ट है, ओके, और जो हमारे अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उनसे वीडियो बनाकर लोग पढ़ सके, ये है हमारा क्या स्वयं इनिशिएटिव। इसके बाद क्या है कि हमें स्किल डेवलपमेंट को इंडस्ट्री वैल्यू मतलब इसको इंडस्ट्री से कनेक्ट करना है कि इंडस्ट्री की कुछ बात होगी ना भाई, ये मैंने पीछे पढ़ाया स्किल डेवलपमेंट में क्या करना है सर कि इंडस्ट्री की कुछ रिक्वायरमेंट होगी, वो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने उठा लिया है, उस रिक्वायरमेंट में लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, ओके, इसी को बोलते हैं स्ट्राइव, इसका नाम दिया गया है स्ट्राइव। अब देखिए जो संकल्प है, संकल्प ये दिया गया है कि सर मार्केट रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है हमारे 3.5 करोड़ यूथ्स को। सर हेल्थ में क्या बात कही गई है, हेल्थ में ये बोला गया कि हमारा TB 2025 तक हटा देंगे, काला जर जो हमारा होता है 2017 तक हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे इंडिया से, जो फाइलेरेसिस होती है 2018 तक निकाल देंगे, और जो मिजल्स हमारी बीमारी होती है 2020 तक निकाल देंगे। अब बोला गया है सर कि हेल्थ सेक्टर में 2 इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला इंडिकेटर होता है IMR, दूसरा होता है MMR। IMR मतलब होता है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, और MMR मतलब होता है मैटरनल मोर्टैलिटी रेट। सर इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट 1000 में देखते हैं तो 28 अभी हमारे यहाँ 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 34 मर जाते हैं, जो कि हाईएस्ट है हमारे इंडिया में, लेकिन इसको घटाकर हम किस पे लेके आना है 28 पे लेके आना है। MMR 1 लाख में देखते हैं तो हमारे यहाँ 167 जो मदर हैं वो डेड हो जाती हैं ड्यूरिंग द मतलब कि डिलीवरी के टाइम में, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसको घटाकर हमें 100 पे लेके आना। ये तो जो 2 इंडिकेटर है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, और ये हमारा जितने भी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है इस इंडिकेटर को उसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद 2 एम्स को सेटअप करेंगे झारखंड और गुजरात में, ठीक है, और आधार कार्ड बेस हमारा हेल्थ कार्ड आएगा जिसे मॉनिटर करेंगे सीनियर सिटीजन को, ओके, क्या उनके हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या होना चाहिए। अब सर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा बड़ा पुश दिया गया है इस समय, गवर्नमेंट ने दिया है नियरली
39 लाख रुपीज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। क्यों लगाया सर? कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा क्या चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में स्लो डाउन चलने से ये हो रहा है कि जो हमारे इंडस्ट्रीज जो पैसा नहीं लगाना चाहते, और पैसा नहीं लगाने से क्या होगा कि इकोनॉमी में हमारा बूस्ट नहीं आएगा, इकोनॉमी हमारी ग्रो नहीं करेगी। तो सर इस बार गवर्नमेंट ने बोला कि हम ही लगा देते हैं पैसा, ताकि हमारे यहाँ पैसा भी खर्च हो, इकोनॉमी भी हमारी ग्रो करेगी, और हमारा मनरेगा में पैसा लगा दूंगा तो वहां तो परचेजिंग पावर बना रहेगा, है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है सर कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, इस साल के नहीं एक दो साल पुराना पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या है कि 1:5 का हमारा रेशियो है, कि मतलब आप 1 रुपया लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म में 5 रुपया से ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है ना। इसलिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसे लगा रहे हैं। और रोड कभी भी आपके बुरे टाइम में काम आ सकता है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है जो बैकबोन होता है हमारी इकोनॉमी के लिए। अब रोड नहीं है तो माल कैसे बेचेंगे आप, सर्विस सेक्टर को कैसे आप ग्रो करेंगे, है ना। तो रोड नहीं है, पोर्ट नहीं है आपका, उसके बाद रेलवे आपने कोई फ्रेट कॉरिडोर नहीं बना रखा, तो आप कैसे माल को तेजी से आप ढुलाई करेंगे, ट्रांसपोर्ट में ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो हमारे कोई भी जो हमारा कमोडिटी हम डालेंगे मार्केट में तो कभी कम्पिटेटिव नहीं हो सकती अदर कमोडिटी के कंपैरिजन में। अब सर देखिए रेलवे में क्या बात कही गई है। सर रेलवे में ये बोला गया है कि कोई भी सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा यदि आप टिकट को बुक करते हैं थ्रू IRCTC। उसके बाद क्या है कि अनमैन्ड जो हमारी क्रॉसिंग है इसको 2020 तक एलिमिनेट कर लिया जाएगा, और SMS बेस, आप देखिए आपका कोच, आप ट्रेवल कर रहे हैं रेलवे में, आपका कोच हो गया गंदा, तो आप एक SMS करें, ठीक है, अपना PNR डाल कर उस कोच में आएगा और साफ करके चला जाएगा। तो यहाँ पे है कि क्लीन माई कोच सर्विस आएगी। इसके बाद कोच मित्रा हमारा क्या मतलब वहाँ पे कोच मित्रा को हायर करना है ताकि कोच में आपकी फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद देखिए अभी तक हमारा जो शेयर है रेलवे का, ये हमारा इसका कोई शेयर इशू नहीं किया गया, लेकिन अब क्या होगा कि रेलवे का शेयर भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे आएगा, जैसे हमारा PSUs का आता है, NTPC का, OCL का, GAIL का, भेल का, ओके, इस तरह से हमारी बातें आएंगी। सर अगला हमारा डिजिटल इंडिया में पूछ दिया गया है, और जब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रहे थे, जब बजट को पेश कर रहे थे, उन्होंने 25 times डिजिटल इंडिया का नाम लिया। क्यों? क्योंकि सर हमारे यहाँ टैक्स टू GDP रेशियो इतना कम है, ठीक है, 13 लाख लोग टैक्स भरते हैं, उसमें मतलब ITR फाइल करते हैं 6 लाख लोग देते हैं, तो भाई ये तो बहुत गंदा है ना। अब कैसे करेगी गवर्नमेंट? टैक्स नहीं आएगा तो वेलफेयर स्कीम कैसे चलेगी, और जो सोशल इकोनॉमिकल हमारी खाई है इसको कैसे हम भरेंगे? तो ये हमारी बात आ रही है। तो भीम ऐप, इसको मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से एक लेक्चर में पढ़ाया हुआ, ये भीम ऐप के लिए 2500 करोड़ रुपीज़ हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए दिए गए हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि ताकि ब्लैक मनी को हम क्या कर सकें, कम कर सकें, और डिजिटल ट्रांजेक्शन को हम बढ़ा सकें। सर चंडीगढ़ हमारा केरोसिन फ्री हो गया है, और हेड पोस्ट ऑफिस है ये सेंट्रल ऑफिस होगा जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप पासपोर्ट बनाने की सर्विसेज ले सकते हैं। सर अगला सेक्टर जो हमारा है, अगला सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर का। सर टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्री के पैसे आते हैं, लोग आपकी कल्चर को, आपके नदी को, आपके हिल्स को देखने आते हैं। तो इसमें 2-3 स्कीम बहुत सही से चलाई गई हैं, जैसे स्वच्छ दर्शन स्कीम चलाई गई है। सर इसमें क्या है कि 13 हमें थीमेटिक सर्किट बनाने हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बनाना है, बुद्धिस्ट सर्किट बनाना है, कृष्णा सर्किट बनाना है ना, इस तरह के सर्किट बनाएंगे ताकि वहाँ पे हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद हमें 5 टूरिज्म जोन बनाना है, ठीक है, स्टेट के साथ मिलकर एक टूरिज्म जोन बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा इनक्रेडिबल इंडिया चलता है, जो पार्ट अभी उनका वर्जन 1 चल रहा था, इसको वर्जन 2 चलाएंगे, ताकि हम इससे कैंपेनिंग आगे करेंगे ताकि फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहाँ आ सके। क्योंकि सर ये क्या होता है कि हमारी इकॉनमी मल्टीप्लायर इफेक्ट देती है, क्योंकि इसमें कुछ लगाना तो है नहीं ना भाई, बिल्डिंग खड़ी है तो खड़ी है, अब ताजमहल खड़ा है तो खड़ा है, नदी बह रही है तो बह रही है, किसी को मजा आ रहा है तो देखो भाई दो पैसा, हमें क्या दिक्कत है। और सर टूरिज्म में आप देखेंगे ना तो किसी एक दो लोगों को जॉब नहीं मिलती, पूरा इलाका को जॉब मिलती है। आप ऋषिकेश जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी लड़का प्राइवेट जॉब करने की बात नहीं करेगा, कोई वहाँ पे गाइड है, तो कोई वहाँ खाना बना रहा है, तो कोई वहाँ पे होटल सर्विस दे रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। टूरिज्म में पैसा बहुत कम लगाना पड़ता है और जो उसका रिटर्न है बहुत ज़्यादा होता है इकोनॉमी में, ओके। तो ये सारी स्कीम बहुत हमारा क्या करेगी, सपोर्ट करेगी टूरिज्म को, क्योंकि हमारा एक टूरिज्म जो हमारा इलाका है, और हर तरह का क्लाइमेट हमारे इंडिया में मिलता है, ठीक है। आप डिजर्ट देखना राजस्थान चले जाओ, हिल देखना आप चले जाओ जम्मू कश्मीर चले जाओ, या आप चले जाओ हिमाचल में, और ऋषिकेश चले जाओ उत्तराखंड में, ओके। और आपको एकदम कोई क्लाइमेट चेंज में दिक्कत नहीं होता, आप चले जाओ वहाँ कोस्टल एरियाज में, वहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो हर तरह का क्लाइमेट, हर तरह की हमारे यहाँ जियोग्राफी मिलती है इंडिया में, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने टूरिज्म में बूस्ट लगा सकते हैं, ओके। अब सर देखिए कि पब्लिक सर्विसेज के लिए क्या किया गया। सर बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के जो लड़के लड़कियाँ आते हैं तो
इनवेरिएबली क्या होता है कि हम उनको बोलते हैं ये चिंकी है, मोमोज है, सर वो इंडिया के पार्ट है, लुकिस्ट पॉलिसी से उनको कनेक्ट किया जा रहा है ताकि वो हमारा गेटवे है, लुकिस्ट पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट हमारा गेटवे है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री आ जाएगी तो भी वो लोग भी डेवलप हो जाएंगे, सर दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसी को जोड़ने के लिए, एक भारत बनाने के लिए, इसमें क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा इनिशिएटिव लेके आया गया। इसमें क्या करेंगे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया में इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हम लैंग्वेज को, ट्रेड को, कल्चर को और टूरिज्म को बढ़ा सके। और जब पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होगा ना, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा कि पीपल टू पीपल इंटरेक्शन में क्या होता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, लोग एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। सर रेलवे आया तो यही तो होता है ना कि रेलवे से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू हो गए, जो कि हमारा जो मूवमेंट चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चला था, उसमें काफ़ी ज़्यादा पुश मिला था इसको, इसलिए कर रहे हैं कि आप कनेक्टिविटी बढ़ाओ। कनेक्टिविटी बढ़ाने से क्या हो जाएगा, लोग अपने आप मिल जाएंगे तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी और लोग कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग ये है कि भाई 20,000 रुपये फंडिंग नहीं होगी, अब 2,000 रुपये का फंडिंग ले पाएंगे। बस क्या था सर कि 75% क्या होता था हमारा, 75% जो पैसा था ये हमारा अननोन सोर्स से आता था पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि वहाँ पे लिमिट थी 20,000 रुपये की। अब इन्होंने बोला ना 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 2,000 रुपये आप ले सकते हो कैश डोनेशन, ठीक है सर। और उन्होंने बोला कि सर आपको कैश डोनेट करना तो डिजिटली करिए, चेक से करिए, और वही नहीं आप इलेक्ट्रोनल बॉन्ड लगाइए,